लाखों लोग मर गए। मीडिया ने आज तक ये नहीं कहा कि कोविड में कितने लोग मरे, मगर थाली की बात करी, मोबाइल फोन की बात करी, बॉलीवुड दिखा देंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, मगर जो मुद्दे आपके सामने हैं, आपके दिल के जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, उनके बारे में मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा, हर इंडस्ट्री में अदानी जी क्यों दिखते हैं? देश की रक्षा हथियारों में अदानी जी, बिजली अदानी जी, कोयला अदानी जी। और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से, घर छीनने से मैं चुप हो जाऊंगा। मोदी जी ने किसान का एक रुपया कर्जा माफ नहीं किया, किसी स्टूडेंट का एक रुपया माफ नहीं किया, मजदूर का एक रुपया माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। ये इतना बड़ा नंबर है कि जब हम ऐसे कहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, तो आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कितना है ये। तो मैं आपको बताता हूं, जितना पैसा मनरेगा को चलाने में, 24 साल चलाने में लगता है, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मनरेगा को 24 साल चलाओ, उतना पैसा इन्होंने 20-25 लोगों को दिया। और जब किसान कर्जा माफी मांगता है, एमएसपी मांगता है, तो प्रधानमंत्री साफ कह देते हैं कि किसान को ना कर्जा माफ मिलेगा ना एमएसपी मिलेगी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स देता है। आजादी के बाद किसान ने कभी टैक्स नहीं दी, सरकार ने कभी टैक्स नहीं मांगी। पहली बार जीएसटी में किसान टैक्स दे रहा है। जहां भी आप जाओ, मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला, 4000 किलोमीटर चला, और रास्ते में जब भी मैं किसी से पूछता था मुद्दा कौन सा है, दो जवाब आते थे, एक बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। मैंने इनको, मीडिया वालों को मित्र कहा, मगर ये टीवी पे महंगाई की कभी बात नहीं करते, कभी नहीं करते, बेरोजगारी की बात कभी नहीं करते। ये आपको समुंदर के नीचे नरेंद्र मोदी दिखा देंगे, समुद्र के नीचे दिखाएंगे, देखो 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 मोदी जी बैठे हैं, कोविड से लोग मर रहे थे और मीडिया वाले देश को कह रहे थे देखो थाली बजाओ, डांस करो, और उसके बाद कहते हैं चलो मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं थे, लाखों लोग मर गए। मीडिया ने आज तक यह नहीं कहा कि कोविड में कितने लोग मरे,
मगर थाली की बात करी, मोबाइल फोन की बात करी, बॉलीवुड दिखा देंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, मगर जो मुद्दे आपके सामने हैं, आपके दिल के जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, उनके बारे में मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। अब इनकी गलती नहीं है, ये जो यहां कैमरा लिए बैठे हैं इनकी गलती नहीं है, ये ऑर्डर लेते हैं, इनको कहते हैं भैया देखो अदानी जी का चैनल है, अगर यहां काम करना है तो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है उसका पालन करो, अगर उसका पालन नहीं किया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल 10 साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया। आप जहां भी जाओ हिंदुस्तान में, कोने कोने में चले जाओ, आपको एक नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अदानी, पोर्ट अदानी, हाईवे अदानी, डिफेंस अदानी, सोलर पैनल अदानी, बिजली अदानी, कोयला अदानी, और सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है। मैंने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया, मेरी सदस्यता ले गए, मेरी सदस्यता ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया, और मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा, हर इंडस्ट्री में अदानी जी क्यों दिखते हैं, देश की रक्षा हथियारों में अदानी जी, बिजली अदानी जी, कोयला अदानी जी, और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है आपका इनके साथ, मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया, ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से, घर छीनने से मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने घर की चाबी इनको दी, कहा मुझे घर नहीं चाहिए, मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे तुम्हारे कोई घर की जरूरत नहीं। तो अब सवाल उठता है कि जो नुकसान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किया उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, आज मैं आपको वो बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में क्रांतिकारी काम है, यह दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी नई सरकार डालेगी, 8,500 रुपए हर महीना पहली तारीख को हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा, चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो,
अगर आप गरीब हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपए डाल देगी और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो। जब तक आप गरीब होगे उस दिन तक 1,00,000 रुपया साल का, 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 हर महीने जाएंगे। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, और जो आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों युवाओं ने मुझे कहा कि आज हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले अखबार में आया कि आईआईटी के लोग, जो आईआईटी में ग्रेजुएशन करके आए हैं, पहली बार उनको नौकरी नहीं मिल रही। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो इसके लिए हम 2-3 चीजें करने जा रहे हैं। सबसे पहले 30,00,000 सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने खाली रखा है। उन 30,00,000 वैकेंसीज को हम आते ही आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, अमीर घर के बच्चे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब काम करते हैं, 3 महीने का काम करते हैं, 6 महीने का काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। मगर यह रास्ता हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बंद है।